पेज नंबर 56 है ना, वर्कबुक सब लोग खोलो, पेज नंबर 56 है, पुनरावर्तन 2। पुनरावर्तन वर्ग हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो पुनरावर्तन का मीनिंग होता है कि आप लोगों ने जितना भी आगे पढ़ लिया है बराबर है, उसका उसका ही जो है थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और थोड़ा सा कुछ नया है तो वो मैं आप लोगों को इसमें समझाऊंगी। फर्स्ट तो देखो आप, इसमें हम लोगों ने ये स्टोरी पढ़ ली है आगे बराबर है, टोपी वाला और बल्लर, वो मैंने आपको उस दिन समझाई थी, तो वही के वही जो है आपको यहाँ पर लिखना है। सेकंड में पेज नंबर 57, ये थोड़ा नया है आपके लिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखना है। अब शब्दकोश के क्रम में कैसे लिखते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ड है क है ना, तो क में आपको पहले लेना है अ की मात्रा, फिर आ की मात्रा, ई उ ए आई, ऐसे जैसे इसमें देखो साइन, साधु, सार, संपत्ति, साहस, सत्यव्रत, संजो। अभी आप देखो तो ये सभी स से शुरू होते हैं बराबर है, लेकिन हमारे जो अल्फाबेट अ आई ई होते हैं तो मात्रा के हिसाब से आपको इसमें लगाना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट आएगा अ की मात्रा वाला सत्यव्रत, सार, साधु, साहस, संजो, संपत्ति और साइन, ठीक है। अ की मात्रा लास्ट में आती है इसलिए यहाँ पे साइन का शब्द कहाँ पे आएगा, लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए और लिखिए, इसको आपको प्रोनाउंस करना है कि कैसे पढ़ना है और फिर लिखना है सेम। जैसे सिद्धार्थ, ये संयुक्त अक्षर है, ये आप लोगों ने फोर्थ में भी पढ़े थे और फिफ्थ के स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने पढ़े थे, तो सिद्धार्थ टू टाइम्स लिखना है यहाँ पे, मक्खन, मच्छर, शुद्ध, द्वार, उद्देश्य, फिर अच्छा, चिट्ठी, मक्खी, चिन्ह, ख्याति और मिट्टी, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है पहले और उसके बाद जो है दो दो बार आपको यहाँ पे लिखना है टू टाइम्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज फोर्थ, समझ कर लिखना है। अभी आपने मैंने लिख पहचान दिया है, ये हमारा ध्यान लेखन हो गया, शब्द लेखन हो गया, शब्दकोश और लिंग पहचान। लिंग पहचान में आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा है चेंज द जेंडर है ना, चेंज द फेमिनाइन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर है ना, तो आपको एक जो होता है वो पुरुष के लिए जो होता है वो मस्कुलर जेंडर होता है, फेमिनाइन जेंडर दो होते हैं ना, तो उनको हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये हमने फोर्थ में भी पढ़े हैं बराबर है। तो यहाँ पे आपको चित्र देख के लिखना है, जैसे ये है तो ये हमको कौन दिख रहा है, ये जैसे सेठानी है तो सेठानी का क्या होगा सेठ, ठीक है। दूसरा है स्त्री तो स्त्री का क्या होगा पुरुष, फिर है लड़की, लड़की का क्या होगा लड़का, फिर ग्वालिन, ग्वालिन का होगा पुल्लिंग ग्वाला, ठीक है। तो ये आपको नया है थोड़ा, तो ये इसको इस हिसाब से पढ़ना है। फिर है उसी का हमको सेंटेंस बना देना है, जैसे कोई बोलेगा यह सेठ है, ठीक है, तो उसको बनाना होगा, हम कैसे बनाएंगे यह सेठानी है, यहाँ पे आपको बना के बनाया है, तो हमको और भी दूसरे बनाना है, तो हम दूसरे का दूसरा हमारा पुरुष और स्त्री का है तो हम कैसे बनाएंगे, यह पुरुष है, यह स्त्री है, ठीक है, यह लड़का है, ये यह लड़का है, यह लड़की है, यह ग्वाला है, यह ग्वालिन है, ऐसे आपको यहाँ पे सेंटेंस बना के लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है वचन परिवर्तन, एक वचन बहुवचन, एक वचन से बहुवचन हम कैसे बनाते हैं वो भी आप लोगों ने फोर्थ में पढ़ा है, पूरा अच्छी तरह से पढ़ा है। उसमें एक वचन से बहुवचन बनाने में पत्ता, पत्ते, यहाँ पे देखो आप गुब्बारा, गुब्बारे, टोपी, टोपियां, केला, केले, एक पत्ता होता है तो उसको पत्ता बोलते हैं, सिर्फ एक से ज्यादा है यहाँ पे दिख रहे हैं हमको तो क्या होगा पत्ते, एक गुब्बारा है तीन गुब्बारे हैं, ठीक है, एक टोपी है तीन टोपियां हैं, फिर एक केला है तीन केले, ठीक है, तीन भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यह पत्ता है लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा यह का बहुवचन होता है ये, ठीक है, ज्यादा होते जैसे आप इंग्लिश में दिस का दिस लिखते हो, ठीक है, तो ये पत्ते हैं, पत्ता का पत्ते हो जाएगा। गुब्बारा, यह गुब्बारा है, एक गुब्बारा है, ये गुब्बारे हैं, है पे डॉट आएगा इधर प्लूरल आएगा, फिर यह टोपी है पे बिंदी आएगी यहाँ पर, ये टोपियां हैं, है पे डॉट आएगा, फिर यह केला है तो यहाँ पे आएगा ये केले हैं, ठीक है, पास की जगह में आता है ये, ठीक है ना, दूर में आता है वे, ठीक है ना, वह का वे होता है बहुवचन, यह का ये होता है, अगला समझ में। अब नेक्स्ट
सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करना है, मतलब आपको उसके जो है वो किस हिसाब से आपको बहुवचन क्रिया में बहुवचन लगा के लिखते हैं, एकवचन लगा के लिखते हैं, वो इसमें दिया हुआ है। बच्चे खेल रहा है आएगा कि रहे हैं आएगा, रहे हैं। बच्चे खेल, क्योंकि बच्चे बहुवचन है इसलिए क्या आएगा, रहे हैं। दौड़ रहा है एक वचन है तो क्या आएगा, घोड़ा। ये राजा है हो जाएगा, राजाएं नहीं होता है, क्या होगा, राजा, राजा का राजा ही रहेगा और जो है आपका हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो उसमें चेंज हो जाएगा। जा रहा हूं तो जा रहा हूं के साथ क्या होगा हमेशा यूज, मैं जा रहा हूं। हम खेल रहे हैं, हम बहुवचन है तो रहे ही आएगा। फिर बार अपने किताबों में रामायण नहीं है, इन किताबों में, बहुत सारी किताबें रखी है तो हमको क्या बोलना है, इन किताबों में, और एक होगी तो क्या बोलेंगे, इस किताब में, ठीक है। अब नेक्स्ट में आएगा लड़के ने लड्डू दिया, उस लड़के ने लड्डू दिया। फिर हम कबड्डी खेलने जाएगा, जाऊंगा आएगा कि जाएंगे, जाएंगे, क्योंकि हम बहुवचन है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, जाएंगे। अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 59 पेज पे लिखेंगे क्वेश्चन आंसर से, ये सब आप पहले लिख चुके हो बराबर है, उसमें इस तरह रिपीटेशन है, ये भी आपका हो गया है, ये भी हो गया, लगभग सभी आपके जो है क्वेश्चन हो गए। सिर्फ एक क्वेश्चन डिफरेंट है इसमें कि हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में कितने घंटे लगते हैं, हम लोगों ने शॉर्ट में लिखा है, आगे इसको आपको फुल सेंटेंस बना के लिखना है कि हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में 12 घंटे लगते हैं। आपने सिर्फ 12 घंटे लिखा था, चूज द करेक्ट वर्ड में, इसको आपको पूरा सेंटेंस बना के लिखना है। सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या है, सबसे बड़े पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है। फिर लड़का रसोई घर में क्या कर रहा है, तो लड़का रसोई घर में खाना खा रहा है। दादी माँ क्या कर रही है, तो दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है। फिर भरत राम के पास जाके क्या करते हैं, तो ये कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, आप मुझसे बड़े हैं, आप राजा हैं, मैं आपको लेने आया हूँ, बराबर। ये बड़े क्वेश्चन में हमने लिखा है आगे। अब यहाँ पे देखो, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। विरुद्धार्थी शब्द, सुबह शाम, विरुद्धार्थी में हमेशा क्रॉस लगता है, दोस्त दुश्मन, मूर्ख चतुर, दिन रात, सूखा गीला, अंधकार उजाला। अब सेम मीनिंग्स है, दोस्त मित्र, सुबह सवेरा, मूर्ख बेवकूफ, वक्त समय, ठीक है। तो ये आपको इसका पीडीएफ आएगा पूरा, तो आप लोगों को इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। अभी हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद हम लोग ये विशेष वाला पढ़ेंगे, अगली वीडियो आपको आएगी तो ये विशेष वाली आएगी, जिसमें भी बहुत सारे आपके एक वचन बहुवचन है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये पीडीएफ आएगी आपको, तो आपको लिखना है और वीडियो देख के और समझ के जो है आपको करना है। थैंक यू।